को महाशिवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरिज पिछले कई सालों से कावर बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये है बिजनौर के आरिज, जो कि एक कारीगर है जो पुस्तैनी कावर बनाते आ रहे हैं। महीन और धारदार औजार के जरिए आरिज का परिवार हापुड़ से कच्चा माल लाता है। लकड़ी के बांस को पहले कारीगर सुखाते हैं ताकि कावर का वजन हल्का हो सके। शिव भक्तों को कावर को कंधे में उठाना होता है, जिससे कि अगर वजन ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। उनको परेशानी ना हो, इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है। वैसे एक कावर 1.5 से 2 किलो की वजन की होती है। मुस्लिम कारीगर की माने तो इन्हें त्योहार आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। कावर को बनाने के लिए रोजाना 10 से 12 कारीगर कावर बनाते हैं। दिन भर में 15 से 20 कावर बन जाते हैं। एक कावर को बनाने के लिए कारीगर को 150 से 200 रुपए की लागत लगती है, जिसे कारीगर 350 से 400 रुपए में आसानी से बेच लेते हैं। एक सीजन में 500 से ज्यादा कावर बेचे जाते हैं। ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे पापा दादा की टाइम से काम हो रहा है। अच्छा, कैसे कैसे लाते हैं, कच्चा मटेरियल कैसे आता है, कैसे बनाते हो, थोड़ा बताओ जी। हम बाहर से लेकर आते हैं, यहाँ पुर से आता है, नजीबाबाद में हम लाकर इसे बनाते हैं। बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं, करते हैं इस काम। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा होती है इससे, मैसेज आता है इससे, जैसे आप मुस्लिम हो फिर ब्राह्मण को बनाते। ऐसे कहते हैं लोग, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और सब अच्छे से मिलजुल कर रहे। तो एक दिन में कितने आप कावड़ बना लेते हैं और कितने रुपए की लागत आती है इसमें, और कितना आपको मुनाफा होता है, कितने में बेचते हैं आप ये? 150-200 रुपए तक की हमारी लागत आती है। हम 300-350-400 रुपए तक की मतलब बेच देते हैं। कितने कारीगर लगते हैं इसमें? इसमें कारीगर 5-6 हम बना कर बेचते हैं। हम फैमिली के ही रहते हैं जब यहाँ पर बेचते हैं। वैसे वहाँ पर बहुत सारे कारीगर लगते हैं, साथ में काम करते हैं। क्या मटेरियल होता है, क्या क्या लगाते हैं, कहाँ से आप माल लाते हैं? ये आपूर्ति से माल आता है, ये काफ़ी तरीके का इसमें मटेरियल लगता है, हम तैयार करते हैं इसको। क्या कुछ परेशानी भी आती है तैयार करने में? जी, वैसे काफ़ी परेशानी आती है, बहुत मेहनत से होता है इसमें। बिजनौर के नजीबाबाद और उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बनी कावर सप्लाई की जाती है।